अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स, आज यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन हम देंगे। मैथमेटिक्स विदाउट नंबर्स यू कांट इमेजिन इट। जब भी मैथमेटिक्स की बात आए तो जहन में नंबर्स घूमने लगते हैं। सो वी शुड नो अबाउट द नंबर सिस्टम, दैट इज़ व्हाई यू हैव द फर्स्ट चैप्टर इन नाइन्थ क्लास, दैट इज़ नंबर सिस्टम। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम, कंपोजिट और सो ऑन। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स क्या होते हैं? आप जो भी नंबर्स जानते हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। जो भी नंबर आप जानते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे, उसमें इमेजिनरी पार्ट होता है और रियल पार्ट होता है, वो आप 11th में देखोगे, वो भी थोड़ा बहुत यहाँ डिस्कस होगा। रियल नंबर्स में दो पार्ट्स हैं, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल एंड irrational, there are two parts of real numbers. So we can say that all rational numbers are real numbers, all irrational numbers are also real numbers, but all real are not rational, kyunki real mein do part hai, rational and irrational. To sare rational asal mein real hi hote hain aur sare irrational bhi asal mein real hi hote hain. To real numbers yahan par un numbers ko kehte hain जो रैशनल हो या इरैशनल हो, यानी ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रियल रियल नंबर्स, जो कि डे टू डे लाइफ में अगर वो मेजरमेंट्स हमें लेने पड़े हम ले सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स आप पहले से ही जानते हैं, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P by Q form. Rational numbers are those which can be written in P by Q form. लेकिन डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। जो P by Q form में लिखे जा सकते हैं विद पी एंड क्यू एज इंटीजर्स, ये उनमें एक कंडीशन है, ये होना चाहिए। यानी पी एंड क्यू मतलब न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। ऐसी पी बाई क्यू फॉर्म जिसमें दोनों इंटीजर हों, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल्स के हैं। तो रैशनल में अगर आप देखेंगे जो भी नंबर लगभग आप जानते हैं वो सारे रैशनल हैं। रैशनल्स की बाद में बात करते हैं, फिलहाल आप एज पर नाइन्थ स्टैंडर्ड आपने रैशनल नंबर सारे देखे हैं। क्योंकि अगर आप बोलोगे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या है, वो भी रैशनल का ही हिस्सा है, दोज आर द पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर तो असल में जीरो और उसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, होल नंबर्स जीरो और वही नेचुरल नंबर फिर से, वो भी सारे रैशनल ही होते हैं। अब नेचुरल से ही आप इवन नंबर, ऑड नंबर निकालते हैं तो है तो वो रैशनल ही, क्यों, क्योंकि उन सब को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। इफ यू राइट फाइव, इफ यू राइट लेट अस टेक माइनस टू इंटीजर्स एज वेल, इफ यू टेक वन बाई थ्री, वन बाई थ्री इज ऑलरेडी इन पी बाई क्यू फॉर्म, फाइव कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू। In terms of case of 5, we can write 5 by 1. 5 by 1, that is also equal to 5. Minus 2, it also can be written in P by Q form. We can write minus 2 by 1. Minus 2 by 1, that is still minus 2. So the numbers which can be written in P by Q form, but both P and Q should be integers. Here 5 and 1, they are integers. Minus 2 and 1, they are integers.
1 by 3, 2 by 5, minus 3 by 7, these are all in p by q form. वो पहले से p by q form हो या उसकी p by q form possible हो, उन्हें हम rational numbers कहते हैं. अब rational numbers में अगर हम बात करेंगे decimal form की, if we write 1.3, so 1.3 can be changed in decimal p by q form, that is equal to 13 divided by. अब shortcut method जो आप सीख चुके हैं, 1 point के बदले उसके बाद एक digit है तो एक zero. So 1.3, it can be written in p by q form. इसमें भी दोनों integer है, 13 और 10, ये भी integer ये भी integer, यानी इसे भी p by q form में लिखा जा सकता. It is also rational. It is also rational. तो आप natural whole numbers, integers, decimal form, जो भी number आपने अभी तक देखे हैं, लगभग आपने सारे rational ही देखे हैं. आज irrational का part आप यहाँ पर देखेंगे. तो ये irrationals क्या हैं? Irrationals क्या हैं? Irrational are those which can't be written in p by q form with p and q as integers. Irrational ऐसे होते हैं जिनकी p by q form possible नहीं है, जिसमें दोनों p और q integers हो. Definition इतनी ही नहीं है कि जिसकी p by q form possible ना हो. p by q form तो उनकी भी possible है, लेकिन ऐसी p by q form possible नहीं कि जिसमें p as well as q, यानी numerator और denominator दोनों integer हो. Let's take here under root 2, it is irrational. We'll discuss it later. How is it irrational? Under root 2 is irrational. Under root 3 irrational. Under root 4 नहीं है. Under root 5, यानी जो numbers root में हैं वो irrationals हैं. Root 4 क्यों नहीं है? क्योंकि square root of 4, you know, it is equal to 2. तो under root 4 जब solve करेंगे, it is equal to 2. And 2, you know, it is rational. It is a natural number. Under root 9, it is equal to 3. So 3 is also natural. तो root 9 अगर solve करेंगे, it is equal to 3. So under root 9 is also not a irrational, is not also an irrational number. So under root 2, we can write it under root 2 by 1. Under root 3, we can write it under root 3 by 1. So root 2 has also p by q form, that is root 2 by 1. इनकी भी p by q form possible है, लेकिन ऐसी p by q form possible नहीं rationals की तरह कि जिसमें p और q दोनों integer हो. यहां मैंने लिखा ना, rational वो होते हैं जिनकी p by q form, ऐसी p by q form जिसमें p और q दोनों integer हो. और यहां पर p by q form possible नहीं है ऐसी जिसमें दोनों with p and q as integer, जिसमें दोनों integer हो. यहां आप देख लो, ये integer है लेकिन root 2 ये तो कोई इंटीजर नहीं है, बिकॉज वी आर फैमिलियर विद इंटीजर्स, वी नो इंटीजर्स, दैट इज 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. नंबर लाइन पे आप देख लो, जो कि नंबर लाइन पे होता है 0, 1, 2, 3, 4, यहां से माइनस 1, दीज आर इंटीजर्स. और इंटीजर्स में रूट वूट ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं होता. तो ये तो इंटीजर नहीं है, यानी इरेशनल्स की पी बाई क्यू फॉर्म है, लेकिन ऐसी पी बाई क्यू फॉर्म नहीं जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो. तो रैशनल और इरेशनल में आपने डिफरेंस देख ली. रैशनल वो होते हैं जिनकी पी बाई क्यू फॉर्म हो, जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर हो. और आप जो भी नंबर जानते हैं, वेदर नेचुरल, होल, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस या नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस, वो सारे इरेशनल होते हैं. सॉरी, वो सारे रैशनल होते हैं. अब इरेशनल्स की अगर बात आ जाए, तो इरेशनल्स वो नंबर है जिनकी पी बाई क्यू फॉर्म पॉसिबल नहीं है, ऐसी पी बाई क्यू फॉर्म जिसमें दोनों इंटीजर हो, पी बी और क्यू बी. ये तो पी बाई क्यू फॉर्म के हिसाब से इनकी डेफिनेशन थी. हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से भी डेफिनेशन दे सकते हैं. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से रैशनल नंबर ऐसे नंबर है जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, या हम बोलेंगे एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग. फिलहाल डेसिमल एक्सपेंशन में लिखूंगा. इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? रैशनल्स की डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग होगी
या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग, मैं ऐसे लिखूंगा बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट हो रहा है, और इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? डेसिमल एक्सपेंशन वो हम अभी देखेंगे क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन, उनकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में भी समझा रहा हूं यहां पर, इफ वी हैव 1/2, 1/2 को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने के लिए क्या करते हैं, 2 को, 2 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, सो 2 0 आर 0, वहां से 1, यहां पॉइंट यहां 0 चढ़ेगा, 2 5 आर 10, उसके बाद रिमाइंडर 0, यानी डिवीजन खत्म हुआ, सो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं दोज आर डेसिमल्स, और ये डेसिमल्स अगर खत्म हो रहे हैं इसके बाद अब कोई डेसिमल नहीं है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, खत्म होती हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग, अगर खत्म ना भी हो लेकिन फिर भी रिपीट होता होगा। जैसे आई विल टेक 1/3 इंस्टेड ऑफ 1/2, आई टेक 1/3, अब मैं 1 को डिवाइड करूंगा इंटू 3, सो लेट्स राइट 3 0 आर 0, वहां से 1 आया, यहां पॉइंट चढ़ेगा, यहां 0, 3 3 आर 9, ओके, फिर से 1 आ गया रिमाइंडर, वो फिर से 10 बनेगा, 3 3 आर 9, फिर से 1 आया रिमाइंडर, वो फिर 10 बनेगा, यानी ये रिपीट होने वाला है, ये कभी खत्म होने वाला है नहीं। सो वी कैन राइट 1/3 एज 0.333 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जाएगा, या इसको मैं बार फॉर्म में लिख सकता हूं, बार 0.3 बार, इट मींस 3 कंटिन्यूअसली जा रहा है, इसका मतलब इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म नहीं होने वाला बट रिपीटिंग, लेकिन फिर भी रिपीट हो रहा, तो इसे बार फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं रिपीटिंग होना। तो या तो वो टर्मिनेट होगा रैशनल, या फिर नॉन टर्मिनेट लेकिन फिर भी रिपीट होगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल्स, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी उन्हें बार फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो वो ऐसे होगा, लेट मी राइट 1.01001001, बीच में एक एक जीरो ऐड हो रहा है, यहां पे आप देख लो 01, उसके बाद 001, उसके बाद 0001, उसके बाद डॉट्स, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा, इसमें बार पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलोगे 01 पे बार चढ़ाएंगे, 01 पे बार चढ़ाने से वो 01 01 01 कंटिन्यू होगा, बट इट इज 01 देन 001 देन 0001, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बार ऑन दिस, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड इट इज ऑल्सो सेट टू बी नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो आपने पी बाई क्यू फॉर्म के हिसाब से भी रैशनल्स देखे डेसिमल फॉर्म में से, इरेशनल्स भी पी बाई क्यू फॉर्म उनकी पॉसिबल नहीं है, ऐसी पी बाई क्यू फॉर्म जिनमें दोनों इंटीजर हो और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर्स के जो दो पार्ट हैं वो डिस्कस हो गए हैं, रैशनल एंड इरेशनल। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम देखेंगे पहली एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर।